कैसी है इस वक्त शहनाज गिल की तबीयत, साथ ही साथ किस तरीके से रीता आंटी मिल रहा है सपोर्ट शहनाज गिल को, इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको क्लियर बताता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, वहां पर फॉलो जरूर करें। शहनाज गिल की अगर बात करें दोस्तों, तो शहनाज गिल की कैसी है इस वक्त तबीयत, क्या शहनाज गिल सही हैं या फिर नहीं, शहनाज गिल को किस तरीके से एक सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है रीता आंटी का, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई मोई की एक रिपोर्ट है जहां पर इस बात को लेकर खुलासा हुआ है, इंटरनल सोर्सेज की तरफ से पता चली है बातें कि शहनाज गिल जो है वो ना ठीक से खा रही हैं, ना ठीक से सो पा रही हैं, और प्लस वो जो है एक सैडनेस में है, एक अंधकार में है। रीता आंटी जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी हैं, उन्होंने अब कमान संभाली है और वो शहनाज गिल को बैक ऑन ट्रैक लाएंगी। जो नज़दीकी सोर्स है, जो इस रिपोर्ट में लिखा है, नज़दीकी सोर्सेज की तरफ से बातें पता चली हैं कि रीता आंटी एक सपोर्ट सिस्टम बनी है, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनी है शहनाज गिल के लिए, और शहनाज गिल जो है अब धीरे धीरे ठीक होगी ही होगी। दोस्तों आपको बता दूं तो सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी का ये रिएक्शन था सबसे पहला जब सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हुई कि बेटा जाना तो हर किसी को एक दिन होता है, लेकिन सुना था कि लोगों का जवान बेटा चला गया, यही बात खुद के साथ हुई तो सचमुच में शॉक हो गई। तो दोस्तों ये बातें जो हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, और जैसी ही आई मुझे पता चली तो मैंने आपको तुरंत बताई। अब ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। शहनाज गिल के लिए प्लीज़ प्लीज़ प्रे कीजिए कि वो बैक टू बैक ठीक हो जाए, अपने प्रोजेक्ट्स को करने लग जाएं, और सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की ताकत मिले। ओम शांति।